आशा वर्कर्स ने आज अपनी मांगों को लेकर जिले भर में रोष प्रदर्शन किया। फतेहाबाद में आशा वर्करों ने शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए विधायक दुड़ाराम के कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी की। यहां विधायक की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। उधर टोहाना में भी आशा वर्कर्स शहर भर में प्रदर्शन करते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के कार्यालय पर पहुंची और यहाँ मंत्री की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि फतेहाबाद में मांगों को लेकर आशा वर्करों का प्रदर्शन जो है आज चला। आपको बता दें कि आज जिले भर में रोष प्रदर्शन किया गया। फतेहाबाद में आशा वर्करों ने शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए विधायक दुड़ाराम का कार्यालय घेरा और नारेबाजी की। आपको बता दें कि यहाँ विधायक की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और उधर टोहाना में भी आशा वर्कर्स शहर भर में प्रदर्शन करते हुए पंचायत के मंत्री देवेंद्र बबली के कार्यालय के बाहर पहुंची और उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। आशा वर्कर्स नेता सुमन दैयड़ वसीटू की जिला कोषाध्यक्ष बेगुराज ने कहा कि आशा वर्कर्स अपनी मांगों को और समस्याओं को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है। हरियाणा सरकार द्वारा आशा वर्कर्स की कुछ मांगों का समाधान किया गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी मांगें लंबित पड़ी है। 29 फरवरी को आशा वर्कर्स मांगों के समाधान को लेकर पंचकुला में स्वास्थ्य मिशन डायरेक्टर के कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रही थी, तो पुलिस द्वारा दमन की कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि ज्ञापन में आशा वर्कर्स ने समझौते के अनुसार हड़ताल के दौरान का आशा वर्कर्स का 4,000 रुपया फिक्स पूरा दिया जाए, योग्यता के आधार पर पदोन्नति हो और सरकारी नौकरी लगने के लिए पेपर में 5 नंबर की छूट दी जाए। आशा पे ऐप और गाइडलाइन में जारी, आपको बता दें कि आशा पे ऐप और गाइडलाइन में ज़रूरी सुधार करते हुए दूसरे ज़िले में होने वाली डिलीवरी का बेनिफिट तुरंत आशाओं को दिया जाए। आशा कार्यकर्ताओं के डेथ क्लेम को बढ़ाया जाए और बैंक लॉक व अन्य सुविधाएं दी जाए। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल हो और आशा फैसिलिटेटर की विजिट की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाए। आशाओं को ड्रेस और धुलाई भत्ता दिया जाए।